गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संगीता मोरे। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 9 to 12। मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे क्या होते हैं आज मैं इसकी जानकारी आप लोग को दूंगी। जैसे मुहावरे आप लोग भी जानते होंगे, मुहावरे का अपन प्रयोग करते हैं। मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ है। क्या है? मुहावरे लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियाँ है। जैसे असल में ये भाषा के प्राण है। क्या है? ये भाषा के प्राण है और भाषा को मूल रूप से क्या कर देते हैं? जीवांत कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। सबसे मुख्य भाषा के ये प्राण हैं। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, वरना वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, लेकिन वाक्यांश कहलाते हैं। इसलिए वाक्य में प्रयोग होने पर ही अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हैं। आगे मैं इसका प्रयोग आपको बताऊंगी कि मुहावरे कैसे होते हैं। जैसे मुहावरों का प्रयोग, जैसे क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी मतलब हो जाएगा एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। जैसे अपन इसको प्रयोग में करेंगे कि श्रावण अपने माता पिता की एकमात्र सहारा थे, अंधे की लाठी थे। श्रावण कुमार अपने माता पिता के लिए एक मात्र सहारा थे। क्या थे वो? अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा। मतलब उसका प्रयोग किया अपन ने, ये मुहावरा है, अंधे की लाठी मुहावरा है। और इसका अर्थ क्या निकलता है? एकमात्र सहारा। इसका अर्थ क्या निकलता है बच्चों? एकमात्र सहारा। इसका अपन ने प्रयोग किए, कई प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं अपन इसमें। अलग अलग मुहावरे अपने मन से बना सकते हैं और उसके प्रयोग भी अपन अपने मन से कर सकते हैं। सिर्फ आपको आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या निकलता है, अर्थ सही होना चाहिए, उसके आधार पर अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। इसमें अपन ने श्रावण कुमार का लिए, और दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे आज ना आना, नुकसान ना होना। जो ईश्वर पर अटूट विश्वास करता है उस पर कभी आंच नहीं आती है। दूसरा पढ़ेंगे अपन, अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। बोलते हैं ना अपन किसी को भी अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति। क्या अकल के दुश्मन हो गए जो कुएं में कूद गए? कहते हैं अपन कि क्या आप अकल के दुश्मन बन गए जो कुएं में कूद गए। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे आस्तीन का सांप धोखा देने वाला साथी। दूसरे देश को इसने धोखा दे दिया, जैसे भारत ने, पाकिस्तान ने भारत को धोखा दे दिया, तो इसको क्या कहेंगे अपन? आस्तीन का सांप कहेंगे। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। क्या होता है? ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। जैसे विद्यालय में शिक्षक
बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, समझो ईद का चांद हो गए। इसी प्रकार बच्चों बहुत सारे उदाहरण आते हैं और मुहावरे बनते हैं, इसके हम प्रयोग करते हैं। पहले पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे तो ज़्यादातर कैसी बातें करते थे, मुहावरों में बातें करते थे। अंधे की लाठी, श्रावण कुमार, इसका बताया आपको प्रयोग तो अपन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार पहले पूर्वज लोग ज़्यादातर मुहावरों में ही बातें करते थे। थैंक यू सो मच।